आम आदमी पार्टी कि उन्हां वल्लों ये वादे कीते गए कि मुलाजमान जां किसी भी वर्ग नूं पंजाब दे विच किसी भी मंग दे लई धरने प्रदर्शन नहीं करने पैणगे कि वो अपनी मंग दा मंग पत्र सानूं देण ते सरकार उहदे हल दे लई जल्द तों जल्द उहनां नाल मीटिंग करके उस मसले का हल करेगी। ये हजे महज 5 महीने का समा हो गया इस सरकार नूं हुण दे विच आया ते मुलाजमां दीआं तनखाहां दे उत्ते बेलोड़ी रोक लगा दित्ती। जो किसी चीज़ की कोई समस्या हो गई फिर तो सू कुछ समझ लगे भी आह कारण करके तनखाह रुक गई, पर अच्छ 7 तरीक हो जा रही हजे तक भी जोड़िया मुलाजमान दनखाह ने वो बेलोड़ी रोक लगा के रुकिया। पंजाब विच नवी बनी आम आदमी पार्टी दी सरकार वलो सत्ता च आउण तों पहलां कई वादे कीते गए सन कि इह सरकार पिछलियां सरकारां नालों वधिया काम करेगी, पर अज 5 महीने बीत जाण मगरों वी सरकार दे वादे वादे ही बणे होए ने। इस तों ना सिर्फ आम आदमी परेशान है सगों सरकारी मुलाजम वी चिंतित ने। अज 7 तारीख हो चुकी है पर पंजाब सरकार वालों सरकारी मुलाजमान नूं तनखाह नहीं भेजी गई, जिसके चलद सरकारी मुलाजम बेहद परेशान ने। इसे बाबत जदों जलंधर च सांझी एक्शन कमेटी के चेयरमैन सुरजीत सिंह नाल गलबात की गई तो उन्हां दा कहना है कि असीं पंजाब च आप दी सरकार इसलिए बनाई सी क्योंकि बदलाव आवेगा, पर इत्थे सानूं तनखाह नहीं मिल रही जिस कारण असीं सारे दुखी हाँ। ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। पर बड़ी हैरानी की गल है कि हजे महज 5 महीने का समा हो गया इस सरकार नूं हुण दे विच आया ते मुलाजमां दीआं तनखाहां दे उत्ते बेलोड़ी रोक लगा दित्ती गई है। कोई टैक्नीकल कारण होवे जां किसी चीज़ की कोई समस्या होवे फिर तो सानूं कोई चीज़ समझ लगे भी आह कारण करके तनखाहां रुक गईआं, पर अज 7 तरीक हो जा रही हजे तक भी जिहड़ियां मुलाजमां दीआं तनखाहां ने वो बेलोड़ी रोक लगा के रुकिया हुई हैं। मुख्यमंत्री साहब ने 5 सितंबर जिन्हों असीं कह सकते हैं कि साढ़े सारे अध्यापक, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब के फादर भी अध्यापक सीगे, अध्यापक दिवस उन्होंने मनाया श्री आनंदपुर साहब के बहुतात अध्यापकों उन्होंने वधिया कारगुजारी करके सन्मानित किया, पर उत्थे एक गल देखनी भुल गई कि जिहड़े अध्यापकों सन्मानित कर रहे हैं वो अध्यापक जिहड़े इस समाज में नवी दिशा दे रहे जी, उन्होंने अध्यापक दिवस के मौके खीसे खाली ने, उन्होंने जेबा तंग ने कि वह उत्थे किस तरीके दे नाल पहुंचे होणगे उस समागम नूं अटेंड करन दे लई, उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण अपनियां जिम्मेवारियां जिहड़ियां घरेलू जिम्मेवारियां किस तरह पूरियां करनियां उस गल तों भी मुख्यमंत्री साहब अनजाण सी। ते हुण अगों की रणनीति होएगी? जिहड़ियां साडियां सांझियां मंगां ते तनखाहां दे मसले नूं लै के कल 8 तरीक नूं पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विस यूनियन दे वल्लों अमृतसर 'च इक जोड़ा रैली रखी हुई है, उहदे नाल ही पंजाब दा जिहड़ा सब तों वड्डा मुलाजम ढांचा है पंजाब यूटी मुलाजम ते पेंशनर सांझा फ्रंट, जिहदे विच पंजाब दे सारे पेंशनर ते मुलाजम एक फ्रंट दे उत्ते इकट्ठे हुए ने, वह सारे 10 तरीक नूं सांझे रूप दे विच संगरूर मुख्यमंत्री साहब दे हल्के दे विच जा रहे ने, हज़ारां दी गिनती दा इकट्ठ होएगा ते मुख्यमंत्री साहब दे घर वल नूं कूच कीता जाएगा। इस दे नाल ही सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि तनखाह ना मिलन कारण उन्हां दा घर दा गुजारा बड़ी मुश्किल दे नाल हो रहा है। महीने की पहली तरीक तो घर विच राशन दुध अते होर समान लियाउणा जरूरी है, पर तनखाह ना मिलन कारण उन्हां नूं लोकां तो पैसे मांग के काम चलाउणा पै रहा है। मनजोत कौर जी, दसो 7 तरीक हो चुकी है, तनखाह नहीं मिली, घर का गुजारा किदां हुंदा, किदां हर वार 2-3 महीने बाद इदां हो रहा है? सर इदा है कि साड़ी जिहड़ी सिलैक्शन है एक तो पहला ही 2019 च हुई है, प्रोबेशन साडा 3 साल का सीगा ते उहदे विच भी असीं बेसिक पे लै रहे हैं ते प्रोबेशन साडा जून दे विच क्लीयर हो चुका ते हाले तक एक तो साड़ी प्रोबेशन क्लीयर नहीं हुई ते सैलरी सानू फिर बेसिक पे उही 12,000 मिल रही है ते वह भी टाइम सिर नहीं मिलती पी भी अज तुसीं देख लो 7 तरीक हो गई है ते तुसीं देखो भी 10,000 च किवें हो सकता गुजारा। फील्ड वाले ऑफिसर्स ने जिहड़े साडे इंस्पैक्टर्स ने उन्हां लई होर भी ज़्यादा मुश्किल आ क्योंकि इत्थे ऑफिस च ते फिर भी असीं हो जांदा बट उन्हां लई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ है 10,000 दे विच ते इह तां
बहुत इंपोर्टेंट है कि ये एक तो टाइमली मिले प्लस जोड़ा साडा प्रोबेशन पीरियड आनू फाइल्स जल्दी जल्दी क्लीयर होनी चाहिए ताकि अपन पूरा ग्रेड वगैरह मिल सके। की कहना चाहोगे सरकार में? सरकार में यही कहना चाहते हैं कि साडा जो प्रोसैस है इनू होर स्पीडअप किया जाए इस चीज़ में। काफ़ी साढ़े तो पहले वाले इंस्पैक्टर्स ने जोड़े साढ़े नाल अप्रैल महीने तो उन्हों का भी पेंडिंग साडा जून के क्लीयर होया तो वह भी नाल ही वह भी है तो उस तो पिछे होर भी इंस्पैक्टर्स होर ने तो पहलों वाले ही नहीं होया तो उस चीज़ में मतलब स्पीडअप करने की जरूरत हैगी। थैंक यू। लेट तनखा तो सर बहुत मुश्किल का सामना करना पैंता, बच्चों की फीस देनी है, बिजली का बिल देना, दुध के पैसे देने हैं, हर पास हर चीज़ मिलती है तो फिर हर महीने सूँ यही रहा कि लोगों को मंग के अज भी इस महीने मंग लो अगले महीने मंग लो अगे तो मंगण तो चले रहो। सरकार तो कहते पैसे है नहीं अजे हाले लेट मिलनी है, हर बार जाना यही काम होंगे कि लेट मिलनी है। हाँ जी, तुहाडा नाम? संतोख सिंह। संतोख सिंह जी, दसो सात तरीक हो गई तनखाह नहीं मिली, किन्नियां कु मुश्किलां आउंदियां घर के परिवार के सारा सिस्टम हिल जाता है? पहलियां तरीकां च बहुत खर्चे होंगे। हाँ जी हाँ जी, बहुत तकलीफ होती है, करते तो सारे औखा सारे काम रुक जाते हैं जी, जो कि बिल देने बिजली का बिल देना, दुध का बिल देना, हर चीज तक मिलती है तो बिल तो सारी औखा ही इन्नी लेट तनखा सत्त सत्त तरीक तक तनखा नहीं मिलती बहुत औखा हो गया परिवार को चलाना औखा है। किस तरह सारोगे फिर? सरकारी नौकरी करके मतलब हर बार ही होंगे लेट हो जाती, किस तरह फिर सरकार की कहती है उच्च अधिकारी की कहते हैं? सरकार तो कुछ भी नहीं कहती जी, सरकार तो कही नहीं मिल जूगी जब पैसा नहीं है, उच्च अधिकारी है तो कहते बस की गल तो सरकार तो पिछले पैसे आने मिलने हैं जी, जब आप पिछे कहते खजाने नहीं है तो वैसे कि मिल जूंगे घर का गुजारा फिर मांग के होंगे ही उस दर्द होंगे नहीं। A1 मीडिया लिए जलंधर तो नरेंद्र गुप्ता की खास रिपोर्ट।